पूरे देश के साथ साथ जनपद मुरादाबाद में संविधान दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मुरादाबाद के मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय पर सभी रेलवे कर्मचारी व अधिकारियों को अपर मंडल रेल प्रबंधक एनएन सिंह ने शपथ दिलाई और सभी से ये अपील की कि सभी लोग देश और समाज के प्रति समर्पित रहें। पूरे देश के साथ साथ जनपद मुरादाबाद में संविधान दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सरकारी व गैर सरकारी कार्यालयों पर भी सभी को संविधान दिवस पर शपथ दिलाई गई। शुक्रवार को मुरादाबाद के मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय पर संविधान दिवस के अवसर पर सभी रेलवे अधिकारी व कर्मचारियों को अपर मंडल रेल प्रबंधक एनएन सिंह ने शपथ दिलाई और सभी को संविधान दिवस की बधाई दी। हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्त विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्त की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। भारत माता की जय। अपर मंडल रेल प्रबंधक एनएन सिंह ने सिटी चैनल से बात करते हुए कहा कि आज संविधान दिवस पर सभी रेलवे कर्मचारी व अधिकारियों को शपथ दिलाई गई है और साथ ही देश और समाज के प्रति समर्पित रहने के लिए भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। आज जो भारत का संविधान आज ही के दिन जो है 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत प्रदान किया गया था संविधान सभा द्वारा और भारत सरकार ने उसको अंगीकृत किया था, उसी को जन जन तक पहुँचाने के लिए भारत सरकार ने आज उस प्रस्तावना को जिसमें लिखे हुए मूल भावों को जन जन तक पहुंचाने के लिए उसके लिए एक सुबह 11 बजे सभी सरकारी ऑफिसों में लोगों को प्रतिज्ञा के द्वारा उस प्रस्तावना को बताया गया। कोई अपील करना चाहेंगे युवाओं से? सर, आप देखिए, युवाओं से मैं ये अपील करना चाहूँगा कि भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों का सही अर्थों में विश्लेषण होना चाहिए और उसको अंगीकृत करना चाहिए। जो भी संविधान में लिखा गया है उसमें सभी को समान अधिकार दिया गया है, उसको व्यवहार में भी लाना पड़ेगा, तभी राष्ट्र का विकास हो सकता है, समाज का विकास हो सकता है।